एक ऋषि थे सौभरी मुनि, वो बहुत तपस्वी थे, तपस्या करते फिर भी एक बार क्या हुआ, वो पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे और वो तपस्या करते समय वहां पर गरुड़ जी आते, गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के भक्त हैं और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं, तो गरुड़ जी वहां आकर जो है मछली खाते थे, क्योंकि गरुड़ जी तो पक्षी है, पक्षी का जो नेचुरल खाना है मछली, तो गरुड़ जी वहां आकर वो मछली को खाते और जो सौभरी मुनि है, सौभरी मुनि ने उनको वार्निंग दिया, देखो ये सारे मछलियां हैं, ये मेरे दोस्त हैं, आप इनको नहीं खा सकते, इनको खाने यहाँ आओगे तो मर जाओ, ऐसा उन्होंने श्राप तो। लेकिन गरुड़ जी ने जो किया उसमें कोई भूल नहीं है, क्योंकि भगवान के द्वारा निर्धारित खाना उनके लिए मछली है, तो उसमें गरुड़ जी का कोई भूल नहीं था। और गरुड़ जी भी उतना ही जिनका जितना उनको आवश्यक था उतना ही वो खाना खा, गरुड़ जी बहुत सेंसिटिव थे, जब पहले उनका जन्म हुआ था तब उनको खाने के लिए एक हाथी और एक कछुआ, बहुत बड़े हाथी और बहुत बड़ा कछुआ, ये दोनों आपस में लड़ते थे, और उनके पिताजी कश्यप ऋषि ने बोला कि आप इतना इस हाथी और कछुए को खा लो, तो वो हाथी और कछुए को उठाए खाने के लिए और देख रहे थे कि कहां मैं बैठकर खाऊं, एक बहुत बड़ा वृक्ष था, वृक्ष के ऊपर बैठे और उस हाथी और कछुए को खाने ही वाले थे, जब वो वृक्ष का डाल जो है वो पर उस वृक्ष के डाल से कुछ ऋषि मुनि लटक के तपस्या कर रहे थे, उनका नाम है वालखिल, साइज में बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, और ये जो वालखिल नाम के जो ऋषि थे वो तपस्या कर रहे थे। उस पेड़ के डाल जिसके ऊपर गरुड़ जी बैठे थे उससे वो लटकते हुए उल्टा लटकते हुए तपस्या कर रहे थे, तो लेकिन जब वो डाल टूटा, वो डाल गिरेगा तो ऋषि मुनि मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक पंख के नीचे उस हाथी को दबाया, एक पंख के नीचे कछुए को दबाया और अपने चोंच से उस गिरता हुआ जो डाल है उसको पकड़ा, ताकि वो ऋषियों को दिक्कत ना हो, और वो बहुत देर ढूंढा कि उस डाल को कहाँ रखा, ढूंढते उसको सही जगह पर रखकर फिर तो अपना खाना खाने, तो उससे संतुष्ट होकर वालखिल जो ऋषि मुनि है उनको आशीर्वाद देते कि आपके खाने खाना खाने के जल्दबाजी में आपने ये इग्नोर नहीं किया कि हम गिरने वाले हैं, अब हमारे भी सावधान रखें, तो यानी गरुड़ जी सिर्फ उनका निर्धारित खाना खाते पर फिर भी उन्होंने सौभरी ऋषि ने उनको श्राप दिया गरुड़ जी को कि आप यहाँ आओगे तो मर जाओगे, मछलियों को नहीं खा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये सारे मछली मेरे दोस्त हैं। तो फिर गरुड़ जी वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा अपराध हुआ, इनका सौभरी ऋषि के द्वारा, सौभरी मुनि के द्वारा अपराध हुआ कि भगवान के महान भक्त को उन्होंने निंदा की, उनके प्रति श्राप, उनको श्राप दिया जबकि उनकी कोई गलती नहीं, तो उस अपराध के कारण जो है भगवान ने उनको सबक सिखाया, कैसे उनके अंदर काम वासना ना, अब वो बेचारे समुन्द्र पानी के अंदर वो तपस्या कर रहे थे सौभरी ऋषि, तो अचानक क्या हुआ, वही मछलियों ने जिनको वो बचाने के लिए गरुड़ जी को श्राप दिए, उन्हीं मछलियों को देखकर दो मछली आपस में संभोग कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो उसको देखकर जो है इनके अंदर अपने सौभरी मुनि के अंदर काम वासना चल गई, के अंदर तुरंत इच्छा हुई मुझे एंजॉय करना है, फिर वो समुन्द्र से बाहर आए और वहां के राजा मानधाता के पास गए और बोले कि आप ये 50 बेटियां, मानधाता के 50 बेटियां थी, बोले आपके 50 बेटियों से मैं शादी करवा, उनमें से किसी को भी शादी करवा, तो वो तो बड़े बूढ़े से ऋषि थे, बड़े लंबे दाढ़ी और ये सब देखने में भयानक लग रहे थे, तो उन्होंने मानधाता को इच्छा तो नहीं थी उनको उनसे शादी करवाने अपने बेटियों को, लेकिन
अगर मना करें तो श्राप दे देंगे। डर से उन्होंने कहा आप खुद जाइए हमारे बेटियों के पास, अगर वो आपसे शादी करने के लिए मंजूर हैं करवा कर लीजिए शादी। इस तरह से उन्हीं के ऊपर डाला और ये समझ गए सौभद्र ऋषि ने अपने रूप बदल दिया, बहुत सुंदर नौजवान के रूप में उनका रूप बदल गया और उन 50 बेटियों के पास गए तो उन सभी ने कहा कि हम सब आपसे ही शादी करना चाहते। और इस तरह से उन 50 बेटियों से मानधाता राजा के तो उन्होंने विवाह किए और विवाह कर बहुत समय उन्होंने एंजॉय किया और उनके सारी तपस्या ध्यान सब भूल गए और बस एंजॉय करने में लगे हुए लंबे समय तक। तो इस प्रकार से उनका जो ध्यान से वो भंग हो गया उनका। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया गरुड़ जी के प्रति, तो उन्होंने निंदा किया, जो अपराध किया, श्राप किया, इसके कारण वो फल स्वरूप उनका जो भक्ति है खत्म हो गई। इसी प्रकार से जब हम भक्तों की निंदा करते हैं, किसी वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, जीवों की हिंसा करते हैं, विशेष करके जो भगवान के भक्त हैं उनकी, उनको अनादर करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, उसके कारण क्या होता है? हमारे हृदय में काम वासना उत्पन्न होती है, काम वासना जल जाती है। इसलिए काम वासना से बचने के लिए हमें वैष्णव के अपराध से बचना चाहिए, वैष्णव को निंदा नहीं करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। राधे राधे।